हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर इनवर फिर से आ गया हूं आपके सामने एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। उस टॉपिक का नाम है सिम्टम्स ऑफ इंटेराइटिस। अभी हम लोग इंटेराइटिस पढ़ रहे थे, जैसे टाइप्स ऑफ इंटेराइटिस या व्हाट इज इंटेराइटिस, कॉजेज ऑफ इंटेराइटिस। तो अभी हम इंटेराइटिस चैप्टर को कवर कर रहे हैं। इंटेराइटिस चैप्टर में आज जो हम देखने वाले हैं वह देखने वाले हैं कि सिम्टम्स ऑफ इंटेराइटिस, मतलब जो इंटेराइटिस होता है, किसी पेशेंट को इंटेराइटिस हुआ है तो उसको क्या क्या लक्षण आ सकते हैं, उसके बॉडी में क्या क्या लक्षण डेवलप हो सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो टॉपिक का नाम है सिम्टम्स ऑफ इंटेराइटिस, मतलब इंटेराइटिस के लक्षण। पेशेंट्स को अगर इंटेराइटिस होता है तो उसको क्या क्या लक्षण उसके बॉडी में डेवलप हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स उसे देखने को मिलेंगे। तो पहला जो होता है सिम्टम, पहला जो लक्षण है इंटेराइटिस का, वह होता है फीवर, मतलब बुखार आ सकता है पेशेंट को। सेकेंड, बॉडी एक्स, मतलब बदन दर्द, देह में दर्द हो सकता है। स्टमक पेन एंड क्रैम्प्स, पेट में दर्द भी होगा, साथ में मरोड़, ऐंठन जिसको बोलते हैं ना, तो पेट में पेट ऐंठेगा भी और दर्द भी करेगा, मरोड़ भी होगा। नौजिया, मतलब उल्टी होने की तरह फील होगा या उल्टी होने की तरह लगेगा। ओमिटिंग, उल्टी भी हो सकता है। डायरिया, मतलब लूज मोशन हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख की कमी, पेशेंट को भूख कम लगेगा। अकेजनली ब्लड डिस्चार्ज इन स्टूल, जो उसका स्टूल है, संडास है, उसमें कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। तो यह सब सिम्टम्स है इंटेराइटिस का। इंटेराइटिस का सिम्टम्स क्या है, तो फीवर, बॉडी एक्स, स्टमक पेन एंड क्रैम्प्स, नौजिया, ओमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑकेशनली ब्लड डिस्चार्ज इन स्टूल, मतलब टोटल 7-8 टाइप्स के मेनली सिम्टम्स है इंटेराइटिस में। जो मुख्य रूप से जो लक्षण है इंटेराइटिस का, उसमें बुखार आ सकता है पेशेंट को, बदन में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, पेट में मरोड़ भी हो सकता है, उल्टी होने की तरह जी मचला सकता है, वोमिटिंग मतलब उल्टी भी हो सकता है, लूज मोशन डायरिया हो सकता है, भूख की कमी हो सकता है, और उसके जो मल है, उसके जो स्टूल है, उसमें कभी कभी ब्लड भी देखने को मिल सकता है। तो यह सब जो लक्षण है यह इंटेराइटिस का लक्षण है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट इंटेराइटिस। अगर किसी पेशेंट को एक्यूट, मतलब होता है तुरंत, मतलब 2-4-5 दिन पहले, जस्ट एक्यूट मतलब तुरंत जस्ट, तो अगर किसी पेशेंट को तुरंत इंटेराइटिस हुआ है, जस्ट इंटेराइटिस हुआ है, तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट इंटेराइटिस। अगर किसी पेशेंट को तुरंत इंटेराइटिस हुआ है, एक्यूट इंटेराइटिस हुआ है, तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे बॉडी में। तो पहला है द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट इंटेराइटिस इज डिहाइड्रेशन। अगर पेशेंट को तुरंत एक्यूट इंटेराइटिस हुआ है तो उसका पहला जो और सबसे मोस्ट और सबसे डेंजरस जो कॉम्प्लिकेशन है वह है डिहाइड्रेशन। ठीक है, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट इंटेराइटिस इज डिहाइड्रेशन। अगर पेशेंट को एक्यूट इंटेराइटिस हुआ है तो डिहाइड्रेशन उसका सबसे सीरियस, सबसे गंभीर कॉम्प्लिकेशन है। ओके, सेकेंड, द डिहाइड्रेशन कैन बी माइल्ड और सीवियर। जो डिहाइड्रेशन होगा वह माइल्ड भी हो सकता है, मतलब थोड़ा भी हो सकता है, या ज्यादा गंभीर घातक भी हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन कैन बी माइल्ड और सीवियर। डिहाइड्रेशन जो होगा वह थोड़ा भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट, हेल्दी एडल्ट्स कैन बाउंस बैक इजिली फ्रॉम डिहाइड्रेशन। जो हेल्दी पर्सन है, जो हेल्दी वयस्क है, एडल्ट मतलब होता है वयस्क, तो जो हेल्दी है, जो जिनका ज्यादा वीकनेस वगैरह नहीं है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट नहीं है, जो हेल्दी पर्सन है वह बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन से अच्छा हो जाता है, डिहाइड्रेशन से बहुत जल्दी बाउंस बैक हो जाता है। बट इट इज ए मोर सीरियस या इट इज ए मोर डेंजरस रिस्क फॉर चिल्ड्रेन। बट जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें अगर डिहाइड्रेशन होता है तो बहुत बड़ा रिस्क रहता है, बहुत बड़ा घातक रिस्क रहता है। ठीक है, उसमें पेशेंट की, उसमें बच्चे की जान भी जा सकती है। तो इट इज ए मोर डेंजरस रिस्क फॉर चिल्ड्रेन। जो छोटे बच्चे हैं उनमें डिहाइड्रेशन होने पे बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब हम देखेंगे साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। अगर किसी को डिहाइड्रेशन हुआ है, अगर किसी का बॉडी डिहाइड्रेट हुआ है, तो उसको क्या क्या लक्षण दिखेंगे, क्या क्या सिम्टम्स होगा, क्या क्या लक्षण है डिहाइड्रेशन होने का। डिहाइड्रेशन होने के बाद पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या समस्याएं आती है डिहाइड्रेशन होने के बाद। तो डिहाइड्रेशन होने के बाद जो हमारी बॉडी अगर डिहाइड्रेट हो जाती है तो उसमें जो पहला समस्या है वह हेडेक, मतलब सर दर्द करेगा, फटीग मतलब थकान, बहुत थक जाएगा इंसान, वीकनेस, कमजोरी, डिजीनेस मतलब घूमता हुआ,
ऐसा सर घूमता रहेगा, ऐसा बॉडी घूम रहा है, चक्कर आना जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद फास्ट हार्ट रेट, मतलब जो हार्ट का रेट है वो बढ़ जाता है, लो बीपी, ब्लड प्रेशर लो हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ड्राई माउथ, मुंह सूखने लगता है, डार्क यूरिन, जो आपका पेशाब है, यूरिन है, वह डार्क कलर में आने लगता है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज की प्रॉब्लम हो जाएगी, लैक ऑफ टीयर्स मतलब आंखों से आंसू निकलने लगता है, यह सब समस्याएं आती है, यह सब प्रॉब्लम आती है डिहाइड्रेशन के बाद। डिहाइड्रेशन होने के बाद जो प्रॉब्लम आती है वह क्या है, तो सर दर्द, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, हार्ट रेट बढ़ जाना, श्वास फूलना और ब्लड प्रेशर कम हो जाना, मुंह सूखने लगना, पेशाब का कलर चेंज हो जाना, पेशाब ज्यादा गहरे रंग का होने लगना, कंस्टिपेशन मतलब कब्ज की प्रॉब्लम, और पेट साफ ठीक से नहीं होना, आंखों से आंसू आने लगेगा, यह सब बीमारी, यह सब जो सिम्टम दिखता है, यह सब जो लक्षण दिखता है वह कब होता है, तो वह होता है डिहाइड्रेशन होने के बाद। बॉडी जब डिहाइड्रेट हो जाती है तब यह सब लक्षण भी पेशेंट में देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक एंटेराइटिस। अगर किसी पेशेंट्स को क्रोनिक मतलब होता है बहुत पुराना, अगर किसी पेशेंट को बहुत पुराना 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना से अगर एंटेराइटिस है तो उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो क्रोनिक एंटेराइटिस रिजल्टिंग फ्रॉम रेडिएशन थेरेपी और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जो क्रोनिक एंटेराइटिस होता है वह क्रोनिक एंटेराइटिस रेडिएशन थेरेपी के बाद या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में देखने को मिलता है। कैन हैव सीरियस लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स, उसका जो क्रोनिक एंटेराइटिस जो होता है उसका जो साइड इफेक्ट होता है वह काफी लंबा दिनों तक देखने को मिलता है पेशेंट में, और उसका जो साइड इफेक्ट काफी लंबा दिनों तक, लंबा समय तक चलता भी है, जैसे कि अनेमिया। पेशेंट्स को अगर क्रोनिक इंटेराइटिस है, क्रोनिक पुराना इंटेराइटिस है, तो उसके जो सिम्टम्स है, उसके जो प्रॉब्लम होंगे वह एनेमिया के, मतलब खून की कमी पेशेंट में देखने को मिलेगा, या फिर क्रोनिक डायरिया, उसे बहुत दिनों से बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, बार बार वॉशरूम के लिए जाना रहेगा, बार बार लूज मोशन होता रहेगा, या फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में कंटिन्यू ऐठन रहेगा, मरोड़ होता रहेगा, या फिर बार बार उसको उल्टी की तरह होना, यह सब क्रोनिक इंटेराइटिस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह हमारा था सिम्टम्स ऑफ इंटेराइटिस। इंटेराइटिस के क्या क्या सिम्टम्स होता है वह हम देखते हैं। तो सिम्टम्स ऑफ इंटेराइटिस में पहला फीवर, बॉडी एक्स, स्टोमक पेन एंड क्रैम्प्स, नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ऑकेजनली ब्लड डिस्चार्ज इन स्टूल। अब इसमें आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट इंटेराइटिस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट इंटेराइटिस में हम लोग लिखेंगे, द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट इंटेराइटिस इज डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन कैन बी माइल्ड और सीवियर। नेक्स्ट, हेल्दी एडल्ट्स कैन बाउंस बैक इजिली फ्रॉम डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट, इट इज ए मोर डेंजरस रिस्क फॉर चिल्ड्रेन। अब हम नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन में होता है हेडेक, फटीग, वीकनेस, डिजीनेस, फास्ट हार्ट रेट, लो बीपी, ड्राई माउथ, डार्क यूरिन, कॉन्स्टिपेशन एंड लैक ऑफ टीयर्स इटीसी। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक इंटेराइटिस। कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक इंटेराइटिस में हम लिखेंगे, क्रोनिक इंटेराइटिस रिजल्टिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन, रेडिएशन थेरेपी और इन्फ्लेमेटरी बॉडी डिजीज कैन हैव सीरियस लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग एनेमिया, क्रोनिक डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड नॉजिया। तो आज हमने देखा सिम्टम्स ऑफ इंटेराइटिस, क्रोनिक इंटेराइटिस और एक्यूट इंटेराइटिस में डिफरेंस देखा, और डिहाइड्रेशन होने के बाद बॉडी में क्या क्या दिक्कतें आती है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।